प्यारे प्यारे बच्चों, श्रावक श्राविकाओं, 5 मिनट की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने एपिसोड 28 तक देव दर्शन की विधि को समझा कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए मंदिर में जाकर के। आज थोड़ा सा हम विषय आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देव दर्शन के बाद आता है देव पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजन करना। हम पूजन क्या होती है, किसकी करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, पूजा से क्या लाभ होता है, ये सब हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। आज हम जो आपसे बात करेंगे कि पूजन को समझने से पहले हम उन सामग्रियों को समझें जो पूजन में आवश्यक सामग्री हुआ करती हैं। 8 द्रव्य से भगवान की पूजन की जाती है। पूजन के साथ साथ भगवान के 8 द्रव्य के साथ साथ पूजन के पात्र भी लगा करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि पूजन में किन किन पात्रों का उपयोग होता है, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने में, देवशास्त्र गुरु की पूजा करने में हमें कौन कौन से पात्र लगते हैं। सबसे पहला पात्र तो लगता है ठौना। इसको ठौना कहते हैं, इसको स्थापना भी कहते हैं। अलग अलग प्रांत की अलग अलग भाषा है, यह स्थापना कही जाती है। ये पूजन का आवश्यक है, इसके बिना पूजन संभव नहीं होती है। तो यह स्थापना है और इस स्थापना में आप देखेंगे कि जब पूजन करते हैं तो इसमें ओम लिखा जाता है, इस तरह से केसर से ओम लिख दिया जाता है, यानी पंच परमेष्टि की हम इसमें स्थापना करते हैं। तो केसर से इसमें ओम शब्द लिखा जाता है, ओम वर्ण लिखा जाता है, ये हो गई स्थापना। याद हो गया, इसको ठौना भी कहते हैं और इसको स्थापना भी कहते हैं। पूजन का ये पहला पात्र है जो हमारे मंदिरों में हमारे पास पूजा के समय होना आवश्यक है। दूसरा जो पात्र होता है यह होती है झारी। इसको झारी कहा जाता है, यह कलश के आकार की होती है। इसमें इस तरह की ये टोंटी बनी रहती है, इससे जल निकलता है, इसे झारी कहा जाता है। ये मंगल द्रव्य हुआ करते हैं। भगवान के 8 मंगल में झारी भी मंगल है और स्थापना भी मंगल है। इनको देखने से मंगल होता है, तो पूजन के समय यह झारी की भी जरूरत पड़ती है। पूजन के समय 2 पात्र और चाहिए, ये होते हैं कलश। इसको आप देख लीजिए अच्छे से, कलश। इस कलश में एक में जल होता है और एक में केसर होता है, चंदन होता है। तो ये जल है इसमें और इसमें केसर है, ये 2 पात्र हो गए कलश। और फिर 1 पात्र होता है इस तरह का, जिसमें हम जल आदि को इस तरह से चढ़ाते हैं, ये चढ़ाने का पात्र होता है। तो पहला पात्र स्थापना हो गया, दूसरा पात्र झारी हो गया, तीसरा पात्र कलश हो गया, चौथा पात्र ये चढ़ाने वाला हो गया। एक हमको जरूरत पड़ती है थाली की। इस थाली में हम पूजन सामग्री को चढ़ाते हैं, तो चढ़ाते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस थाली में सबसे पहले यहाँ पर एक सिद्ध शिला बनाते हैं, चंद्रमा, आधा चंद्रमा, और उसके नीचे 3 बिंदी रखते हैं, ये देवशास्त्र गुरु की होती है। उसके नीचे स्वास्तिक बनाते हैं इस तरह से, ये स्वास्तिक बन गया। और इस स्वास्तिक में चारों गतियों का इसमें वर्णन होता है, ये देव गति है, ये मनुष्य गति है, ये त्रयंच गति है, इस तरह से अलग अलग गतियों का इसमें 4 वर्णन होता है। फिर से अपन इसको बाद में अच्छे से समझेंगे। तो ये थाली हो गई चढ़ाने वाली, जिसमें सामग्री चढ़ाई जाती है। अगली होती है, यह छोटी सी एक प्लेट होती है, इस प्लेट में सामग्री रख करके भगवान को अर्पित की जाएगी, यह भी पूजन में बहुत आवश्यक है। फिर यह आरती हुआ करती है, इससे भगवान की आरती उतारी जाती है, यह पूजन का आवश्यक पात्र हुआ करता है। फिर यह 8 द्रव्य का थाल है, इसमें 8 द्रव्य लगाए जाती हैं, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये 8 द्रव्य इतने। और एक होती है ये चंदन की कटोरी, जिसमें चंदन घिसा हुआ रखा रहता है, यह पूजन के आवश्यक पात्र है। इतने सामान यदि हमारे पास हैं तो हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसलिए आप समझ गए होंगे, एक बार फिर रिपीट करूं, इसको स्थापना कहते हैं, इसको झारी कहते हैं, इसको कलश कहते हैं, और इसको चढ़ाने वाला कलश कहते हैं पात्र। ये प्लेट होती है, रकेबी भी इसे कहा जाता है, ये पूजन की थाली होती है जिसमें सामग्री चढ़ाना है, और ये 8 द्रव्य की थाल होती है, और ये भगवान की आरती उतारने का पात्र होता है।
और ये केसर की डिब्बी होती है। इतने सामान यदि हमारे पास हैं और 8 द्रव्य हमारे पास है तो हम भगवान की पूजन कर सकते हैं। अब पूजन कैसे, क्या और कैसे करना है ये हम थोड़ा सा आगे, आज हमने केवल सामग्री को और पात्रों को तैयार किया है पूजन के लिए। आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। कोई प्रश्न हो आपके तो अभी आप टीवी पर, हमारे इस मीडिया पर स्क्रीन पर आप देखेंगे अंकित जैन दिल्ली का नंबर है, आप फोन लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे आपसे 5 मिनट की पाठशाला में।